भगवान ने ली है भगवान मेरे पास भगवान ने ली है मां को संसार के चालन में जीवों की उत्पत्ति में मां का बड़ा योगदान है मैं सोचता हूं कि अगर मां नहीं होती तो क्या होता कुर्सी देखो मैं कुर्सी नहीं देख सकता संसार में जीव की उत्पत्ति होती ही नहीं इतनी कृपा है मां की इतनी अनमोल है मां का कि कहीं भी कोई भी नहीं उतार सकता मां के चरणों में अपने आप को समर्पण करके मां का सम्मान कीजिए और देखिए मां के आशीर्वाद में इतनी शक्ति इतनी ताकत है कहते हैं कि घेर लेने को मुझे जब दुनिया की बलाएं आ गई तो ढाल बनकर सामने मेरी मां की दुआ कसम जहां जहां भी मुझे मुसीबतों ने घेरी है वहां वहां मां की दुआ ढाल बनकर सामने आई दोनों हाथ उठाकर बोलिए सच्चे दरबार की भजन रूपी पुष्प जो मैं मां के चरणों में हाजिर करूंगा आपके सामने मैंने पहले ही प्रार्थना की कि अपने देश में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में मां की पूजा होती है दुनिया के जिस देश में मैं गया मां के भक्तों की कमी नजर नहीं आई क्योंकि शक्ति तो सबको चाहिए मुझे भी चाहिए शक्ति की आराधना ही मां की आराधना है मां का दर ही ऐसा है कि जहां सारी शक्तियां हाजिर होती है पिता से मतभेद हो सकते हैं भाइयों में तकरार हो सकती है ताऊ चाचा से भी अनबन हो सकती है पर मां चाहे वो मेरी अपनी मां हो या ये जगत जननी एक उर्दू के कवि कहते हैं होठों पे जिसके कभी बदुआ नहीं होती होठों पे जिसके कभी बदुआ नहीं होती बस एक मां ही है लखा सिंह जो कभी खफा नहीं गुजरात का रंग अपना रंग है महारानी अम्बे को शक्ति प्रदाता के रूप में यहां पूजा जाता है पश्चिम बंगाल जहां मां के प्रचंड रूप की पूजा होती है तो अपने नॉर्थ में इसी तरह मां को जागरण के द्वारा गा के नाच के रिझाया जाता है सारी रात आइए दूसरा पुष्प मां के चरणों में रखूं चार लाइनें मेरी मां की ऊंची शान में उसको डरा नहीं
ڈرا نہیں سکتی دکھ کی گھڑی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی بھئی کس کو ہو جائے جس دن لہر تیری مہرا والی اس کو پھر دنیا مٹا نہیں سکتی سر کو چکا Thank you.
कितने कृपा बरसाएंगे।